दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल सिंह वाली को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख पाए। ये काफी ऊंची डंप है दोस्तों और ये हमारा करण इसके चक्के के बराबर भी नहीं है। ऊपर नहीं चढ़, ऊपर क्या जाएगा, तो चढ़ के मैं मानेगा नहीं चढ़े बिना। आजा आजा। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है कार्तिक सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिंह वाली। दोस्तों आज है 17 सितंबर यानी कि विश्वकर्मा पूजा। और दोस्तों आज हम विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग यहाँ काफी धूमधाम से मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा। तो हम सोच रहे थे हम लोग कि हम लोग आज के दिन कुछ नया करते हैं, आज आप लोगों को दिखाते हैं यूट्यूब पे कि हम लोग क्या कैसे बनता है विश्वकर्मा पूजा। दोस्तों मेरा नाम है आकाश सिंह, आप जानते ही होंगे, और मेरे बगल में है करण कुशवाहा। तो हाय तो बोल दो। हमारे लड़की जैसे ये थोड़ा सा मिला है लड़कियों के जैसे, और आगे हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में क्योंकि पब्लिक फिर डर जाएगी। और चलते हैं दोस्तों, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी हम लोग हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, आप देख सकते हो मेरी साइड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और हम लोग इस समय बस स्टैंड में हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम लोग झिंगुड़दा में अभी हैं और झिंगुड़दा में मैं रिहायशली में रहता हूँ, और मैं एक नया चैनल अब सिंगौली के नाम से। तो सिंगौली हम लोग का झिंगुड़दा के बगल में पड़ता है जस्ट, और सिंगौली हम लोग का एक कोल माइन एरिया है। यहाँ पे सिंगौली का हेड ऑफिस है कोल माइन का, और यहाँ पे कोयला निकलता है माइन से बड़े बड़े। तो हम चलते हैं आपको, अभी क्या है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ की सिविल ऑफिस में, वहाँ मान रहा है विश्वकर्मा पूजा, तो वहाँ का आपको दिखाएंगे थोड़ा नजारा बाहर से। फिर अब यहाँ से हम यहाँ दो तीन जगह यहाँ पे आपको आप लोगों को घुमाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे। अभी मैं बाइक कहाँ ले गया घुमा गाड़ी। हाँ ठीक है घुमा गाड़ी। तो ये एक्चुअली मैं अभी ड्राइवर बना हुआ है करण कुशवाहा, अभी हम चलते हैं और आप लोगों को आगे दिखाते हैं। दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, आप देख सकते हो ये हम लोग का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आराम चल, इन सबको दिखना चाहिए भाई। और ये हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आगे जा रहे हैं। मेरा करण कुशवाहा ड्राइविंग कर रहा है, उसकी ड्राइविंग थोड़ी अच्छी नहीं है बेचारे की। ये हम लोगों का आजाद पार्क है, कोई भी मतलब आपका कार्यक्रम होता है तो इस पार्क में होता है। ये फुटबॉल का एक छोटा सा बना हुआ है। ये हम लोगों का पोस्ट ऑफिस है, ये मंदिर है, और इसके ठीक अपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक और पार्क है घूमने के लिए। ये घूमने के लिए एक नंबर का पार्क है। ये सब ऑफिस वगैरह है, इधर हॉस्पिटल बैंक वगैरह है, बिजली विभाग सब इधर ही है। ये टावर एक्चुअली में एनसीएल का है, इसमें फ्री बात होती है, इसका टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन है उससे फ्री में बात होती है, लेकिन केवल एनसीएल में, बाहर नहीं, आप मोबाइल डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। ये हम लोग दुर्गा मंडप पे पहुंचने वाले हैं। दुर्गा मंडल है और यहाँ पे ये हम लोग का कार्यक्रम वगैरह इसी में होता है। और ये हम लोग का सिविल ऑफिस और यहाँ कुछ मेला वगैरह लगा हुआ है। चल विकास के पास, विकास के पास है, विकास के पास। तुम पे कोई कस्टमर आ रहे हैं नहीं? हाँ दोस्तों, ये विश्वकर्मा पूजा का मेला लगा हुआ है, कुछ दुकानदार यहाँ पे हैं और कुछ पब्लिक, आप देख सकते हो ज्यादा पब्लिक यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी अंदर देखो वहाँ पे बना हुआ है मंदिर वगैरह, मूर्ति वगैरह है। अभी ज्यादा पब्लिक नहीं क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और शाम के टाइम में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएंगे दोस्तों, तो शाम के टाइम में हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए वहाँ मंडप लगा हुआ है, हल्का हो गया बड़ा, आगे बढ़ा। हाँ तो चलो चलते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगा थोड़ा अंधेरा होगा तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। अभी लोग चल रहे हैं जो बाइक से, तो फिर इतनी भीड़ जाएगी जल्दी, बाइक में काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगा शाम तक में। तो अभी दोपहर का टाइम है और ये दूसरा यहाँ पे क्या है करण, जनरल क्या है? जनरल। हाँ ये कोई ये सिक्कल में भी बन रहा है क्या?
सिक्कल का ऑफिस है ऐसा ना, ऐसे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो व्हीकल वगैरह है, रिपेयर वगैरह होती है, काफ़ी सारे व्हीकल मिलेगा आपको जो एकदम ख़राब हो चुकी हैं, सिर्फ खड़ी हैं बस, क्या बोल सकते। ये सब माइंस डालने वाली गाड़ियाँ हैं सारी। ये बड़े बड़े डंपर का डाला है, अब एक डंपर भी है बड़ी वाली। अब उधर क्या जाओगे, इधर पूरा मंडप सजा हुआ है, आ जाओ उस साइड में। डोजर है, सब ट्रक है, डोजर है। यहाँ सब मेंटेनेंस होने के लिए आई है सब गाड़ियाँ। ये वर्कशॉप है और ये भी नई गाड़ी आई है अभी, इसका से ये असेंबल हो रहा है। एक डंपर है बड़ी वाली खड़ी है सामने। नहीं तो देखो चलो, अच्छा आगे चलो। बहुत बड़ा डाला है दोस्तों, ये डंपर है आप देख सकते हो। कर लो तो खड़ा करेंगे गाड़ी तो सब। ये डंपर देख सकते हो कितना बड़ा है। और मेरा करण अभी जाके अपने से हाइट नापेगा। करण हाइट नापो एक बार, काफी ऊंची है ये, काफी ऊंची डंपर है दोस्तों। और ये हमारा करण, इसके चक्के के बराबर भी नहीं है। ऊपर नहीं चढ़, ऊपर क्या जाएगा, तो चढ़ के मैं माने कहीं चढ़े भी ना। आजा आजा, इसका टायर दोस्तों इतना विशाल का है कि मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। इसमें ट्यूब नहीं होता है इसके टायर में, और पूरा हाइड्रोलिक पे है ये है सिस्टम पूरा, आप देख सकते हो डंपर का काफी ऊंचा है। ज्यादा हम इसके बारे में जानते नहीं है, इतना जानते हैं कि पूरा हाइड्रोलिक में है और इसमें बड़े बड़े मोटर लगे हुए हैं चारों टायर में। और इसका जो इंजन है वो इलेक्ट्रिसिटी एक जनरेट करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी से वो मोटर चलता है, उस मोटर से तो आपका ये टायर चलते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों के टॉय कार होती है ना, उस टाइप का ये है। और ज़्यादा डीपली आना है तो आप देख सकते हो इसका इंजन कितना बड़ा इंजन है इसका। और ये इसका मेरे ख्याल से सॉकर है, सॉकर भी है प्लस। और इसका डिस्क ब्रेक आप देख सकते हो कितना बड़ा है, मैं तो इसके अंदर घुस गया है पूरा। तो इंसान के ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, इंसान साफ हो जाएगा। अरे बाप रे, क्या बड़ा रेडिएटर है यार, साला फैन है ये क्या है। हाँ वहाँ गड़वा है, वहाँ जो घुसने देगा वहाँ वाले पे, हाँ अंदर वाले ना, खदान वाले पे। हाँ दोस्तों हम चलते हैं हम लोग खदान में। दोस्तों ये सब कोयला है, ये सब कोयला गिरा हुआ है। दोनों वहां निकल गए बेल्ट के पास, उस साइड से कन्वेयर बेल्ट है दोस्तों, पूरा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से पूरा कोयला आता जाता है सीएसपी टाइप में। जो आप देखा कि उसके नीचे से ट्रक आती है और उसमें उस ट्रक में कोयला लोड होता है, इसके उसके नीचे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से आपका कोयला आएगा और नीचे ट्रक खड़ा कर दिया जाएगा और ट्रक में लोड होगा कोयला। सब पूरा बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि अब सर्वे ऑफ हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। अब इनकी जगह पे अभी नई नई मशीनें आ गई हैं, वो सब चल रही हैं। दोस्तों ये है कन्वेयर बेल्ट, आप देख सकते हो पूरा लंबा तक दूर तक गया पूरा, इसके ऊपर से कोयला आता है। चूंकि अभी ये बंद है, अगर आप ITI वगैरह किए हो फिटर ट्रेड से तो आपको पता होगा कि कन्वेयर बेल्ट होता क्या है। देगा खदान पूरा दिखेगा, खदान दिखाओ दोस्तों। ये यहाँ से खदान चालू है, हम लोगों के खाना खाने का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि यहाँ से खदान जाने का रास्ता मिल गया, तभी हम लोग खदान के अंदर एंट्री करने आ रहे हैं। ये माइंस में हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। आज बंद हो, अगर आ गए तो बेटा चटनी बन जाएगा हम लोगों का। बंद आज बंद है दोस्तों, आज विश्वकर्मा पूजा है इसलिए आज ज़्यादातर गाड़ियाँ आज बंद ही रहती हैं। और बंद होने की वजह से ही हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एरिया काफ़ी रिस्ट्रिक्ट एरिया है, यहाँ किसी भी जल्दी किसी को आने नहीं दिया जाता है।
दोस्तों हमारे पास डीएसएलआर नहीं है तो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे एक देखो क्रेन वहाँ लगी हुई है, कोयला निकाल रही है पहाड़ में से, तो आपको सर क्लियर दिखाई नहीं देगा कि मेरे पास डीएसएलआर है नहीं, तो मैं जूम करके दिखा नहीं पाऊंगा। क्रेन में से मोबाइल ही लेके आया, कल मेरे ख्याल से वहाँ से भी अच्छा आता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे काम का साइड लगा दे, जल्दी करना जल्दी करो। दोस्तों मैं शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि यहाँ जल्दी किसी को जिसकी है जल्दी किसी को आने नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हो वहाँ देखो धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने का रीजन ये क्योंकि वहाँ जो कोयला है उसमें आग लग चुका है और कोयले में आग लगने की वजह से धुआं निकल रहा है। तो वो यहाँ की एटमोसफेयर की वजह से गर्मी से ही वो ऑटोमेटिक आग लग जाता है, इसलिए यहाँ फायर ब्रिगेड टाइम से लगी रहती है आग बुझाने के लिए। वहाँ पे कन्वेयर आपका मशीन वहाँ पे है, वो कोयला निकाल रहा है उसमें से, आपका ये क्या बोलते हैं क्रेन है ना, क्रेन है वो कोयला निकाल रहा है उसमें से। और ये सब पहाड़ है, सब लंबे लंबे हैं, पहाड़ काट करके एकदम निकाल जा रहा है कोयला। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक से एक मशीन है, लेकिन डीएसएलआर ना होने की वजह से यार ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ सकता हूँ, पूरा खाई है। और हम लोगों को खुद यहाँ पे अच्छा क्लियर मिल नहीं रहा है व्यू क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खाई है और कुछ यहाँ पहाड़ देख कर वहाँ जा सकते हैं, हम लोग ऐसे घूम करके वहाँ भी जा सकते हैं। रिक्शी लग रहा है, चलते हैं देखते हैं। नहीं सर बहुत बड़ा खदान दोस्तों, चलते हैं। हाँ भाई दोस्तों गार्ड देख रहा है और इधर ही आ रहा है पीछा करते हुए, इसलिए हम लोगों को भलाई इसी में है कि यहाँ से 2:09-2:11 हो जाओ। तो अब हम लोग यहाँ से बैक गियर लगा लिए हैं इज्जत से, और इज्जत से बैक गियर लगाने के बाद अब जा रहे हैं खाना ढूंसने भंडारा में। तो भंडारा में बेसिकली यहाँ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, देखो गार्ड यहाँ खड़ा है, आगे आगे जाते हैं भी सबसे लगे आज गाड़ी बंद है इसमें यहाँ भी आ गए। अच्छा अच्छा आगे जा सकते हैं, फोटो लेंगे। हाँ फोटो लेंगे, कुछ उसके बनाना है लीजिए, कोई दिक्कत ही ना है, कोई आएगा तभी दिक्कत करेगा, नहीं है उसे ऐसे निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लगे तो हम लोग इसी में एंट्री करने जा रहे हैं। दोस्तों माइंस में आपको कभी भी रोड नहीं मिलेगा, रोड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ आए दिन नया रोड निकाला जाता है। वाह इसी भी लगा है यहाँ पे, ये कंटेनर है कंट्रोल रूम का। अच्छा जूम में है क्या? हाँ जूम में था इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था। वाह तो सब तुम देख सकते हो ये माइंस है और ये यहाँ पे पानी है, ये पानी खदान से निकला हुआ जमीन के अंदर। और आप सोचो कि पानी कहाँ से आया, मैं आपको बता दूं क्योंकि हम लोग जमीन के अंदर हम लोग ये खुदाई करके हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं काफी नीचे, तो नीचे जाने के वैसे जो किसी के आप लोग कुआं खनते हो तो पानी आता है, उस टाइप से यहाँ पानी आ रहा है। और इस पानी को निकालने तक के लिए यहाँ पे कुछ मोटर वगैरह लगे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ देखो कोने में आपको दिखता होगा हल्का सा, ये यहाँ पे ये कुछ मोटर्स वगैरह लगे हुए हैं पानी को बाहर निकालने के लिए, नहीं तो फिर यहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाएगा। और वहाँ पे आपको क्रेन में दिखाई चुका हूँ, एक दो क्रेन यहाँ पे हैं, आ गया यहाँ दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है दोस्तों, एक दो क्रेन यहाँ पे है। तो ये है यहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये हमारे गार्ड साहब हैं, क्यों गार्ड साहब आज ड्यूटी इनकी लगी है यहाँ पे। पूजा चल रहा है ना, हाँ पूरा काम बंद, चलो यहाँ काफी हो गया चलते वहाँ का। ये डंपर दिखा दो, ये सब डंपर से यहाँ पे खड़ी है क्योंकि सब माइंस में, माइंस से आकर के यहाँ पे खड़ी है लाइन लाइन से डंपर है। और क्या क्या है, सब तो डंपर ही है। तो ये लोग चढ़ते हैं डंपर के ऊपर, आपको दिखाते हैं डंपर में है, ये इसका गाड़ी नंबर है भाई, गाड़ी का DH 410। चढ़ गए तुम साले रामखोर। दोस्तों ये है ड्राइवर सीट और आप देख सकते हो उसके अंदर क्या क्या चीज लगा हुआ है, और इसमें बहुत सारे मीटर वगैरह दिए हुए हैं। और बैक साइड में आप देख सकते हो एयर फिल्टर वगैरह दिया हुआ है, क्योंकि जो केबिन में जो धूल वगैरह आएगा उसको एयर प्योरीफाई करेगा,
और यहाँ पे कुछ टैंक वगैरह बने हुए हैं गैस को स्टोर करने के लिए। और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली ये आपका क्या है, टर्बो का है, मैं कल से आप एग्जॉस्ट का होगा। ये देखिए ये एयर फिल्टर है, ये आपका बड़ा बड़ा दो आपका एयर फिल्टर, ये एयर को प्योरीफाई करने के लिए लगा हुआ है। और आप ज़्यादा देखोगे तो ये नीचे आपका देखो दिया हुआ है रेडी वाटर का, ये यहाँ से आपका कूलेंट वगैरह डालते हैं इसके अंदर रेडिएटर के अंदर। और आपका दो ठो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। और कैबिनेट के अंदर आप दे सकते हो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे दोस्तों मीटर वगैरह। ये क्या क्या चीज़ के मीटर दिए हैं मुझे एक्चुअली अच्छे से पता नहीं है, तो मैं कुछ इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं दोस्तों। और बहुत सारे स्विचेस वगैरह यहाँ पे हैं, बहुत सारे आपके सिस्टम वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। और इसमें ये आपका ये स्टेयरिंग है और कुछ यहाँ पे दोस्तों क्या क्या है, ये गियर देखो दोस्तों गियर कैसा है, गियर इसका बहुत ही लेटेस्ट तरीके से दिया हुआ है। और ये आपका दो पैडल क्यों दिया हुआ है मैं बता दूँ, इसमें सिर्फ एक एक्सलेटर है और एक ब्रेक है, क्लच इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसका जो क्लच होता है वो आपका इसमें दरअसल दो चार चक्के में दो बड़े बड़े मोटर लगे हुए हैं। ये देखो ये एयर फिल्टर है, ये केबिन के अंदर जो धूल आते हैं उस धूल को प्योरीफाई करता है, साफ करता है, ताकि ड्राइवर के को जब ड्राइवर जब ऑक्सीजन ले सांस ले तो उसके फेफड़े के अंदर धूल ना जाए, या धूल जाए भी तो कम जाए। और आपका एक नया सिस्टम दिख रहा है बाहर निकलने में, देखो क्या क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं। और हम लोग इस समय बहुत ही हाइट पे हैं दोस्तों, मैं आपको बता ही सकता हूँ। भाग गए, ठीक है ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और वहाँ पे आपका वर्कशॉप में भी कुछ मंडप लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जहाँ आपका ये मंडप सामने आपका लाइट वेब लिंक कर रहा है, उसके पीछे साइड में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे लोग खाना वाना खाएंगे। और वहाँ खाना खाने के बाद हम लोग फिर यहाँ से हम लोग का जो ये आज का मिशन है वो वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं इस गाड़ी की, तो हम लोग काम करते हैं, हम इस डंपर से हट जाते हैं, अच्छा रहेगा। दोस्तों हम लोगों ने खाना ले लिया है, ये मेरा प्लेट है, वो करण का प्लेट है, और करण कहाँ गया है, गया चम्मच लेने। और ये सब लोग बैठ के यहाँ पे खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं दोस्तों। और हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और हम आपको मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ दोस्तों।